हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? ठीक है, तो ठीक ठाक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? सर? मोहम्मद शेख बात कर रहा हूँ सर, भावलपुर से। मोहम्मद शोएब या मोहम्मद शेर? शेर सर, चिड़ियाघर वाला शेर। असद लाइन है माशाल्लाह। तो क्या हाल है, ठीक ठाक है? क्या भावलपुर सिटी से बोल रहे हैं या कोई? भावलपुर सिटी से ही बात कर रहा हूँ। वैसे मैं लाहौर होता हूँ अच्छा, और तो लॉ कर रहा हूँ, आपकी लॉयर बन। जो बात की ना आपने, वो उसमें लाहौरियों का भी रंग नजर आया। ये जिंदा दिलाने लाहौर है ना, वो मैं आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ। अगर आपके पास बैलेंस का मसला तो नहीं है? अच्छा, वो ना, मैं एक दफा, मेरे बड़े भाई लाहौर रहते थे, तो मैं पढ़ता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उस जमाने में ये लायलपुर होता था। तो मैंने सोचा कि यार भाइयों को लाहौर मिलने जाता हूँ। जब मैं गया ना लाहौर, तो वो रहते थे, एक बीडन रोड है ना, बीडन रोड, ये माल रोड के साथ ही। हाँ, बीडन रोड पे ना, वहां वो रहते थे। तो मैंने एक लाहौरिये से पूछा, मैंने कहा यार मेरे पास एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं है, मुझे ये है कि इस साइड पे इधर है। वो बंदा मेरे साथ जनाब चल दिया, और चलता रहा, चलता घूमता, कभी कई एक गली फिर दूसरी गली, घूमते घूमते हम वो वहां पहुंच गए। यकीन करें, उसने 1 घंटा हमारे साथ ने मेरे साथ लगाया। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि यार, उस वक्त टाइम भी हो गया था रात के खाने का, तो मैंने कहा यार खाना खा के जाना, कह और ये अब तो बैठो, बैठे हैं, बहुत शुक्रिया। कहते हैं ओ पाजी शुक्रिया का दा, असि तो बुरे नु दे घर तक पहुंचा के आने। इतना क्या क्या लगाया, अरे का यार लाहौरिये लाहौरिये बड़ा जिंदा दे माशाल्लाह। तो आप फिर जंगल के शेर, जंगल के क्या, चिड़िया घर के का माशाल्लाह। हाँ जी, हुक्म फरमाए, क्या मसला है, क्या पूछना चाहिए? सर बेसिकली तो आपके मैं प्रोग्राम सारे ही देखे हैं, शेप फार्मिंग का भी मैं सोच रहा हूँ, और एक मैंने आपका प्रोग्राम देखा था हॉर्सेज के बारे में ना सर, तो सर मैं उसके बारे में जानना चाहता था कि मेरे पास अगर घोड़े हैं तो उनको मैं क्या फीड करूँ, और वो रेसिस के लिए अगर मैं उनको प्रोड्यूस करूँ तो उनके लिए जो कास्ट होती है सर, ये क्या सोल्यूशन की अल्फाफा की, वो कैसे करनी चाहिए, और उसकी हार्वेस्टिंग वगैरह सारा कुछ स्टोर, कितना दिनों से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, कितना दिन सुखाना पड़ेगा, फिर स्टोर कैसे करूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहता था आपसे। उसके साइलेज बनाना चाहते हैं या आप उसका उसको हे बनाना चाहते हैं? जी सर, दो चीजें हैं ना, एक है साइलेज, साइलेज है जिसमें आप इसी लूसन को, जो अल्फा अल्फा है उसको आप काट के चॉप करके बाकायदा हम उसको ट्रेंच बनाते हैं, ट्रेंचेस में डाल के फिर उसको ऊपर से दबाते हैं, ताकि उसमें से जितनी भी हवा है, ऑक्सीजन है, वो सारी खारिज हो जाए, और फिर उसको एयर टाइट कर दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन की वहां आमदोरफ्त ना रहे, वो ना हो। और वो उसको कहते हैं साइलेज, वो महीने 1.5 महीने बाद वो तैयार हो जाता है, और लोग उसको आराम से, और फिर खास तौर पे ये जब लूसन नहीं होगा या सब्ज चारा नहीं मिलता, उन दिनों में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जैसे जैसे हम लोग अगर सालन ना बना हुआ हो तो अचार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी इसको अचार कहते हैं, ये जानवरों के लिए। तो ये अचार के तौर पे चारा होता है, वो साइलेज होता है, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है हे, वह हे का ये होता है, वो आपको धूप में या जब गर्मी हो ना ज्यादा, वो हाई टेम्परेचर होता है, उसमें बेशक छांव में ही वो बिखेर देते हैं और उसको खुश्क कर लेते हैं, ताकि उसकी जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू,
वो खराब ना हो, खत्म ना हो, तो उसको वो हे होता है। अब आपने हे बनाना चाहते हैं या साइलेज? सर मैं हे बनाना चाहता हूँ सर। हे चले हे का वैसे मेरा प्रोग्राम कोई ना कोई होगा, अगर नहीं है तो मैं एक बना दूंगा आपके लिए और मोहम्मद शेर के लिए, ठीक है? तो अच्छा हो गया ना, आप मुझे एक एक मुझे लंदन से एक फोन आया, कहता जी हम तो अब एवोकाडो खा रहे हैं लेकिन डॉक्टर साहब हम आपके प्रोग्राम जितने भी देख रहे हैं उसमें एवोकाडो की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नहीं है, एवोकाडो पे नहीं है। तो मैंने कहा चले यार आपने बता दिया तो इंशाल्लाह मैं एवोकाडो पे अब करूंगा एक प्रोग्राम। तो अब आपने बता दिया हे पे, मुझे लगता है मैंने हे पे वैसे कहीं बताया हुआ है, मुझे पता है मुझे क्योंकि मेरे जहन में है और ये लेटेस्ट तो नहीं, 2-3 महीने पहले की बात है, सर्दियों में मैंने ये प्रोग्राम किया था और उसमें हे का जिक्र किया था। हो सकता है साइलेज में ही मैंने बता दिया हो कि हे कैसे बनाते हैं, लेकिन इसके लिए एक मैं अलहदा प्रोग्राम कर देता हूँ आपके लिए। और इसके अलावा हुक्म फरमाए क्या उनकी जी उनकी खुराक कितनी सर, उनको क्या ग्रेन्स में से क्या देना चाहिए, ओवरऑल ये वो सारा कुछ? ठीक है, ग्रेन्स का मैं कर दूंगा, उनकी खुराक का, उनका फार्मूला कोई जबरदस्त किस्म का घोड़ों का दे दूंगा। वैसे न्यूट्रिशन मैंने एनिमल लाइफ स्टॉक न्यूट्रिशन पे तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स किए हैं, वेरी गुड। 1300 तो एक है ना, एन साहब ज्यादा वन पे 12 पूरा 1300 नहीं अभी हुए, 1294 है तो आज हो जाएंगे 1300 इंशाल्लाह। तो ये 1300 लेकिन वो दूसरे जो है ना सीज टू एग्जिस्ट 84 ये पुराना वाला जो वो मेरे दाढ़ी नहीं है वो इसमें भी नहीं है, बड़े बहुत सारे प्रोग्राम्स में, लेकिन उसमें तो बहुत सारे आखिर में तो मेरा ख्याल है चंद एक प्रोग्राम उसमें किए हैं, वो सीज टू एग्जिस्ट 84 और उसका पासवर्ड ही भूल गया, वो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो उसको कैसे खोलना है। नहीं तो उसपे कोई 458 है तो टोटल अल्हम्दुलिल्लाह 1750 से क्रॉस कर गए हैं मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि शेर भी हम अब सुनना शुरू हो गए और डाउनलोड कर रहे हैं, बड़ी बात माशाल्लाह। वैसे वो गोट फार्मिंग का सोच रहे थे तो मैंने आपके साथ प्रोग्राम डाउनलोड किया और आपके ब्रदर से ही चौधरी याकत ब्रदर साहब हैं, वहां से एमपीएम के होते हैं, उनका बेटा मेरे जो होते थे तो कल मैं उनसे बात भी कर रहा था कि चौधरी केशव साहब यादव साहब से मुलाकात भी करा, तो वो कह रहे थे मेरे वाले साहब को जानते हैं तो कटे चलेंगे इनसे मिलेंगे इस्लामाबाद। वो मेरा क्लास फेलो है, वो क्लास फेलो कजन भी है और क्लास फेलो भी है और लियाकत जो है तो लियाकत के बल्कि फादर जो है ना वो मेरे फादर के वो शबाला नहीं होता वो शबाला भी थे हाँ, जो जवानी के यानी के वो एक हम उम्र भी थे और एक ही गांव में उनकी शादी भी हुई और हम बहुत ज्यादा क्लोजली आपस में हैं, लेकिन ये कि नॉट पॉलिटिकली, आई एम सॉरी, ये पॉलिटिक्स में होता है तो वैसे मैं तो खैर पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, मैं कर रहा हूँ पूरे का पूरा नोबल डीड्स कर रहा हूँ। अब तो इंडिया वाले कहते हैं जी भद्दर, हम तो जानते हैं डॉक्टर अशरफ साहब ज्यादा करो तो भद्दर निकल आता है, भद्दर लिखो तो डॉक्टर अशरफ साहब। तो ये अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले ही हुआ था, अब ये मजबूत मैं समझता हूँ बेहतर हो रहा है। वैसे भी सर हम मजाक से उसे कह रहे होते हैं कि आपके बदलों में से कोई इतना पढ़ा लिखा कैसे आ गया, बीएससी डॉक्टर माशाल्लाह पूरी दुनिया में उसका नाम है ये अल्हम्दुलिल्लाह बात सारी है अल्लाह ताला के
हाथ में है, वो तो अइज्जो मन तशा व तो जिल्ल मन तशा, सही है ना। तो अल्लाह के हाथ में इज्जत और जिल्लत है, और अल्लाह ही ये तौफीक देता है, हिम्मत दे दी और इस राह में हम लोग चल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा बहुत ही कर्म किया मैं समझता हूँ। और देखें अल्लाह का बहुत, दो दफा मैं 2005 और 2006 का पाकिस्तान का बेस्ट एग्री साइंटिस्ट का अवार्ड भी मुझे मिला। तो बिल्कुल सर, बहुत ये अल्लाह की बहुत रहमत है, अल्लाह की खास। देखें मैं लाइफ स्टॉक का बंदा नहीं हूँ भाई, ट्रेनिंग या भाई एजुकेशन ना ही मैं, लेकिन मैंने शुरू किया हर चीज सीखनी शुरू कर दी, और अभी भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ। अब उन्होंने एवोकेडो का जब कहा ना, तो मैंने कहा यार एवोकेडो का भी करना है, एक जुजुबा के भी एक मैंने प्रोग्राम अभी करना है। एक दफा पहले किसी ने कहा था शुतुरमुर्गों पे, वो शुतुरमुर्ग पे तो मेरे आ गए हैं, ऑस्ट्रिच के आ गए, वो आपने देखे होंगे। लेकिन इंशाल्लाह हॉर्स पे ना, मैं आई लव हॉर्सेस, और बाई नेचर बाई ब्लड में हम लोग क्योंकि घोड़े बहुत पालते रहे हैं। मेरे चाचा जो थे ना चौधरी रशीद, उनकी वो घोड़ा घोड़ा जो होता था डांस में, वो हमेशा बहुत उनकी पोजीशन होती थी, बहुत जबरदस्त डांस। तो वो तो खैर वो है ब्लड में है, तो आई विल इंशाल्लाह मैं आपके लिए घोड़ों के लिए जरूर करूंगा प्रोग्राम, ठीक है। बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी, बहुत मेहरबानी। और कभी भी कोई किसी किस्म का मसला हो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्रॉप, लाइफ स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इवन अब तो बर्ड्स पे भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स कबूतरों पे कर दिया। इंडिया वाले जो है वो कबूतरों, कोई लखनऊ से कर रहा है, कोई बठिंडा, कोई लखवीर सिंह वगैरह आए हैं सर काफी सारे, हाँ वो भी आए। अभी बठिंडा वाले का पंजाबी में किया मैंने, पता है आपको, अभी किया एक लेटेस्ट कबूतर पे किया, कबूतर वो क्या है उस नुस्खे स्पेशल दैट इज ओनली फॉर सिख, सिखों के लिए किया मैंने सरदारों के लिए, और सरदार भी बड़ा प्यार मुझे करते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करता हूँ उनको। और ठीक है माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई है, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और मैं आपका इंशाल्लाह इस पे करता रहूंगा, आप देखते हैं, ठीक है। लाहौर वैसे मैंने चक्कर भी लगाना है, लेकिन अब रमजान आ गया, दो दिन रह गए। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम अबू दाऊद से एक हदीस से कर रहा हूँ, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह भस्म कर देता है जैसे आग ईंधन को। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफा की। फ़ीमा अल्लाह।